अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान मंशा और आप देख रहे हैं रेसलिंग फीवर। दोस्तों, मुस्तफा अली की WWE से रिलीज को लेकर कुछ नई डिटेल्स सामने आई हैं और इन रिपोर्ट्स के बाद रेसलिंग फैंस मुस्तफा अली को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और इन्होंने ट्विटर पर एक ट्रेंड भी चला दिया है। तो ये सब डिटेल्स जानने के लिए इस वीडियो को पूरा लाजमी देखें। तो चलें बिना देर किए शुरू करते हैं। दोस्तों, मुस्तफा अली ने 16 जनवरी को अपने ट्विटर हैंडल के जरिए WWE से रिलीज की अपील की थी, जो कि फैंस के लिए काफी शॉकिंग न्यूज थी। और अगर आप वो वजूहात जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों मुस्तफा अली ने ऐसा किया, तो उस पर मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूं, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। खैर, इसके बाद सबको इंतजार था कि आखिर कब WWE मुस्तफा अली को रिलीज करेगी, क्योंकि आमतौर पर WWE किसी भी रेसलर को रिक्वेस्ट के बाद रिलीज कर देती है और WWE से पिछले 2 सालों में तकरीबन 200 रेसलर्स रिलीज हो चुके हैं, मगर इस बार ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इस रिक्वेस्ट के कुछ ही दिनों बाद फाइटफुल सिलेक्ट की तरफ से एक रिपोर्ट सामने आती है, जिसके मुताबिक WWE की मुस्तफा अली को रिलीज करने की कोई इंटेंशन नहीं है, यानी WWE अभी मुस्तफा अली को रिलीज नहीं करना चाहती। दोस्तों, फाइटफुल सिलेक्ट के मुताबिक एक कंफर्म सोर्स से ये पता चला है कि इस रिक्वेस्ट के बाद WWE और मुस्तफा अली की आपस में बातचीत हुई है और इस बातचीत में मुस्तफा अली को बताया गया है कि उन्हें उनकी रिलीज अभी ग्रांट नहीं की जाएगी। दोस्तों, इस डिस्कशन के दौरान वैल्यू की टर्म को यूज किया गया है, यानी WWE अभी भी मुस्तफा अली को एक वैल्यूएबल सुपरस्टार समझती है और यही वजह है कि WWE मुस्तफा अली को रिलीज नहीं करना चाहती। लेकिन ये बात अभी तक कंफर्म नहीं है कि WWE मुस्तफा अली के साथ कुछ खास करने वाली है, जिसकी वजह से मुस्तफा अली WWE में ही रुके रहें। लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकी, बल्कि जो ही ये न्यूज बाहर आई तो फैंस ने सोशल मीडिया के जरिए मुस्तफा अली के हक में आवाज उठाना शुरू कर दी और कुछ ही देर में ट्विटर पर हैशटैग फ्री अली ट्रेंड करने लगा, क्योंकि फैंस चाहते हैं कि मुस्तफा अली को WWE से रिलीज दे दी जाए, ताकि मुस्तफा अली जहाँ चाहते हैं वहाँ जाकर अपने रेसलिंग ड्रीम्स को पूरा कर सके। और दोस्तों, इनमें से कुछ ट्वीट्स आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। दोस्तों, सिर्फ यही नहीं, बल्कि इसके बाद मुस्तफा अली ने भी ट्विटर पर एक क्रिप्टिक फोटो शेयर की, जो कि द डार्क नाइट मूवी से जोकर की फोटो है, जिसके पीछे पैसे जल रहे होते हैं। वैसे तो मुस्तफा अली ने इस पर कोई भी कैप्शन नहीं लिखा, लेकिन एक्चुअल मूवी में डायलॉग है कि इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट सेंडिंग अ मैसेज, एवरीथिंग बर्न्स। दोस्तों, फैंस का मानना है कि मुस्तफा अली ने ये WWE पर शॉट लिया है, क्योंकि शायद मुस्तफा अली और WWE की मीटिंग के दौरान WWE ने मुस्तफा अली को ज्यादा पैसों की ऑफर की है और यही वजह है कि मुस्तफा अली ने ये फोटो शेयर की है, जिसके जरिए वो कहना चाहते हैं कि इट्स नॉट अबाउट मनी। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी मजीद रेसलिंग वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।